हेलो एवरीवन, आज मैंने बनाया है वेज टिक्की बर्गर जो कि है फुली लोडेड। कभी कभी हम रोजमर्रा का खाना खा के बोर हो जाते हैं, तो एक बार इस बर्गर को जरूर ट्राई करें। ये देखो इसके अंदर कितनी सारे लेयर्स हैं और जो इसकी टिक्की है बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशियस और हेल्दी है। सो इसमें बहुत सारी सब्जियां मैंने ऐड की हैं। मैंने लिया है बॉयल्ड स्वीट कॉर्न, गाजर, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, प्याज और कुछ बॉयल्ड पोटेटोज। और सब्जियों को मैं इस तरीके से चॉपर में फाइनली चॉप कर लूंगी। ये चॉपर थोड़ा छोटा है तो सारी सब्जियां एक साथ नहीं आ पाएंगी, इसलिए मैं इनको पोर्शंस में फाइनली चॉप करने वाली हूँ। मैंने इसमें प्याज भी ऐड कर दिया है। बहुत ही बारीक सब्जियां मैंने चॉप करी हैं। ये देखो इस तरीके की कंसिस्टेंसी आपको चाहिए। अब ये जो पत्ता गोभी है जो पहले चॉपर में नहीं आ पाई थी, मैंने अब उसको भी फाइनली चॉप कर दिया है। अगर आपके पास चॉपर ना हो तो आप सब्जियों को बारीक बारीक कद्दूकस भी कर सकते हैं। अब इन सारी सब्जियों को आप मिक्स कर लें। अब किसी बर्तन में या कढ़ाई में मैंने लिया है एक बड़ा चम्मच तेल। इसमें डाला है मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून और उसमें ये बाकी की सब्जियां मैंने ऐड कर दी हैं। अब ये सब्जियों के मिक्सचर को हमको थोड़ी देर के लिए भूनना है सो दैट इसके अंदर जो भी पानी होता है, मॉइस्चर होता है, वो सूख जाए। आप इन सब्जियों को बाय हैंड प्रेस भी कर सकते हैं, उससे सब्जियों का पानी निकल जाएगा, बट मैंने वो वाला ऑप्शन चूज नहीं किया क्योंकि मेरे को आलू की टिक्की को हेल्दी ही रखना है। तो मैं इसको थोड़ा सा भूनूंगी, सब्जियां हमारी थोड़ी सी सूख जाएंगी, फिर उसके बाद मैं इसमें मैश्ड पोटैटोस ऐड करूंगी। मैंने ऐड किया है नमक स्वाद अनुसार। 2 से 3 मिनट तक सब्जियों को भूनने के बाद पानी अब सूखने लगा है। अब मैंने इसमें बॉइल्ड मैश्ड पोटैटोज ऐड कर दिए हैं। मैंने 3 पोटैटोज लिए हैं। इससे मैंने करीबन 4 से 5 आलू की टिक्की बनाई थी। अब ये पोटैटोज को अच्छे से आप मिक्स कर दें सब्जियों के मिक्सचर में। मैंने ऐड किया है 1.5 टीस्पून धनिया का पाउडर, 1/2 टीस्पून काला नमक, 1 टीस्पून आमचूर पाउडर और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जिससे कि आपकी आलू की टिक्की जो है अच्छे से बाइंड होगी, टूटेगी फटेगी नहीं, मैंने 1 मुट्ठी इसमें पोहा डाला है। पोहे को मैंने गीला नहीं किया है, सूखा पोहा ही डाला है क्योंकि आलू और सब्जियों में जो मॉइस्चर है उसे पोहा एब्जॉर्ब कर लेगा और पोहा आपकी आलू की टिक्की को एक अच्छी बाइंडिंग भी देगा। अब ऐड कर दें इसमें चिली पाउडर या चिली फ्लेक्स। मैंने चिली फ्लेक्स ऐड किए हैं, जो पिज्जा विज्जा के पैकेट्स आते हैं उसके साथ चिली फ्लेक्स और ऑरिगैनो मिलती है, तो मैंने वही पैकेट निकाल के डाल दिया है। 1 पैकेट चिली फ्लेक्स है और 1 पैकेट मैंने ऑरिगैनो सीजनिंग इसमें ऐड किया है। अब चाहें तो इसमें थोड़ा सा गार्लिक पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है। आपके पास हो तो आप डाल लो, ना हो तो कोई बात नहीं। जिंजर गार्लिक पेस्ट हमने शुरू में ऐड किया था तो इससे कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आता, बट अगर आपके पास है तो जरूर ऐड करें, इससे टेस्ट और एनहांस हो जाता है आपकी आलू टिक्की का। अब ये सारे मिक्सचर को मिक्स करके गैस को आप ऑफ कर दें और इस मिक्सचर को ठंडा होने दें। अब मैं बनाने वाली हूँ ब्रेड क्रम्स। बहुत ही इजी है बनाने। मैं 4 बन का पैकेट लेके आई थी, तो उसमें से 1 बन को मिक्सर में ग्राइंड कर लीजिए और इस तरीके से ब्रेड क्रम्स आपके घर में ही बनके तैयार हो जाते हैं। अब आलू की टिक्की को आउटर कोटिंग देने के लिए, बिल्कुल जैसे कि बोलते हैं ना, बिल्कुल क्रंची टिक्की होनी चाहिए, उसके लिए क्या करना है, मैंने लिया है इक्वल पोर्शंस में मैदा और इक्वल पोर्शंस में कॉर्नफ्लोर। ये मैंने अंदाजे से लिया है, ये 1/2 कप मैदा है और 1/2 कप कॉर्नफ्लोर के आसपास मिक्सचर है, बट आपको लेना इक्वल पोर्शंस में ही है। 1/2 चम्मच के आसपास मैंने इसमें नमक ऐड किया है और इसमें ऐड किया है चिली पाउडर, वो आप कम या ज्यादा कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। अब ये ड्राई मिक्सचर को एक बार मिक्स कर लें और इसके बाद इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके आप मिक्स करते जाएंगे इस बैटर को। आपने बहुत ज्यादा एकदम से पानी नहीं ऐड करना है, आपका बैटर बिल्कुल फ्लो ही नहीं होना चाहिए, बिल्कुल पतला नहीं होना चाहिए। ये देखिए इस तरीके से लंप फ्री स्मूथ और थिक बैटर तैयार हुआ है। आलू टिक्की का मिक्सचर ठंडा हो चुका है। अब इसको मैं इक्वल पोर्शंस में डिवाइड कर दूंगी। अब फाइनली टिक्की फ्राई करनी है, तो एक साइड आप कढ़ाई में ऑयल रखते हैं और दूसरी साइड पे सबसे पहले वो जो आपने टिक्की का बॉल बनाया है उसको आप ये जो बैटर है इसके अंदर डिप कर दें। इस तरीके से आपको टिक्की को अभी प्रेस नहीं करना है, इसको जब आप ब्रेड क्रम्स में रखोगे तब आप इसको हल्के हाथ से प्रेस कर दें, थोड़ा सा फ्लैटन कर दें। और ये देखो ब्रेड क्रम्स को आपको अच्छे से कोट कर देना है टिक्की के ऊपर सारे साइड्स से। और ये टिक्की हमारी कोट हो चुकी है। मैंने टिक्की बड़े साइज की बनाई है क्योंकि बर्गर में टिक्की का साइज एटलीस्ट 1/3 हो तो बहुत टेस्टी लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और इस सारे प्रोसेस में आप दोनों हाथ गंदे ना करें, एक हाथ को आप फ्री रखें बिकॉज एक हाथ से आपको फ्राई भी करना है। तेल गर्म हो चुका है, ये देखो टिक्की मैंने तेल में डाल दी है। इसको मीडियम लो फ्लेम पे फ्राई करना है सो दैट ये पूरी अंदर तक फ्राई हो जाए और टिक्की हमारी क्रिस्पी हो जाए।
सेम प्रोसेस है, बाकी की टिक्कीज भी हम फ्राई कर लेंगे। सो हियर इट गोज, 1, 2, 3। अब जो बंस हैं उनको बीच में से काट दीजिए आप हाफ पोर्शन में, और इन पे अप्लाई कर दिया है मैंने बटर, मैंने नॉर्मल अमूल बटर लिया है। और बंस को अब आप सेक लीजिए एक पैन में, इससे क्या होगा इसका इनसाइड जो है और भी ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएगा। बस तो अब सब कुछ रेडी है, अब आपको सिर्फ सारे सामान को असेंबल करना है। सबसे पहले मैंने इसके बेस पे लगा दिया है टमाटो केचप, वो इवनली स्प्रेड कर लें। और अब इस पे डालना है मेयोनीज, स्लाइस्ड टमेटोस, आलू टिक्की, गोल कटा हुआ प्याज, धनिया पुदीने की हरी चटनी भी आप लगा सकते हो, इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब स्प्रिंकल कर देंगे इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला, और इस पे स्लाइस्ड कोकम्बर्स लगा दें। आपके पास लेटस लीफ है तो वो लगा लें, नहीं तो पत्ता गोभी के पत्ते लगा सकते हैं, थोड़ा सा मेयो और, और ये आपका फुल्ली लोडेड आलू टिक्की बर्गर तैयार है। अब मैं इसे बीच में से कट करके भी आपको दिखाऊंगी। ये देखो इसमें जो भी हमने लेयर्स ऐड किए हैं, इट वाज वेरी यम्मी। तो एक बार ये रेसिपी जरूर ट्राई करें, और पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच।